हेलो भैया, नमस्कार भैया। नमस्कार सर, आपका वीडियो तो हम बहुत दिन से देख रहे हैं सर। मतलब 2022 में हमको चोट लगा था और आपसे हम बात करने के लिए सारी वीडियो आपको देखते हैं, हर दिन डालते हो, जब भी डालते हो तो मेरे मोबाइल में आता है, सब्सक्राइबर है। और आपका वीडियो और जिस तरह आप एक्सरसाइज के बनाते हैं, पूरा वॉल टेटल कर रहे हैं सर, लेकिन वार्कर मेरा नहीं छूट रहा है। मतलब फुल ड्रॉप हो गया दोनों पंजा में और उसमें मूवमेंट है। मतलब अंदर से हम जब हिलाने के लिए कोशिश करते हैं ना, तो सेंसर और मूवमेंट है उसका, अगली अंगली हल्का हल्का मतलब हिलता है, लेकिन ताकत से नहीं हिल रहा है सर। और उसमें हम कम से कम 8 महीना से एक्सरसाइज कर रहे हैं सर। कितना दिन हो गया मतलब, है तुम्हें जब से हमको चोट लगा ना भैया, जब से तो मतलब 1 महीना 3 दिन के बाद ऑपरेशन हुआ था मेरा, यहाँ सूरत में हुआ था। हम छत पर से गिर गए थे, मतलब 25 फीट की ऊंचाई पर से 2 तल्ला पर से गिरे थे। हाँ। और मेरा वो लगा था डी लेवल में चोट लगा है, L1 L2 L3 ऐसे करके है, 4 स्क्रू। हाँ। सपोर्ट किया है, 2 प्लेट कर दिया है, उसमें प्लास्टिक का प्लेट आता है ना। हाँ। वो कर दिया है सर। और जब से मैं गिरे, मतलब 2022 में गिरे, जून महीना था। हाँ। जून महीना से आपको मतलब वीडियो हम देखते रहते हैं, और उस समय तो मूवमेंट सेंसर पूरा बिल्कुल खत्म हो गया था। करीब 6 महीना के बाद मेरा कुछ पता चलने लगा, खाली सिर्फ दर्द रहता था दोनों पैर में। कब हुआ था, कितना दिन हुआ चोट का पूछ रहे हैं? टोटल अभी दिन तो मतलब हो गया है, दिसंबर पार हो गया ना भैया, तो 18-19 महीना हो गया भैया। 18-19 महीना हो गया, चलते हैं। हम वर्किंग कर रहे हैं सर, मतलब 12 महीना से वर्किंग कर रहे हैं। वर्कर पर हमको फिजियोथेरेपी 3 महीना करवाए थे। हाँ। तो वो वर्कर पर हमको खड़ा कर दिया था, और उसी वर्कर के सहारा मतलब नील लॉक भी आना चालू हो गया धीरे धीरे, मैं पूरा करते रहा। तो आज वर्कर लेके खूब बढ़िया चल लेते हैं, 500 गज मतलब 200 गज तक ले चल जाते हैं, धरती पे बैठ जाते हैं, वर्कर लेके धरती पर से खड़ा हो जाते हैं, पूरा कमर में बैलेंस है। फिर बांस के रेलिंग भी बनाए थे भैया, उसमें भी चल लेते हैं बराबर, उसको पकड़ के उठ भी जाते हैं, पैना पकड़ के खड़ा भी रह जाते हैं, लेकिन चलने वाला जो है ना पंजा दोनों अपना फुल ड्रॉप हो गया है। पंजा हमारा भी दोनों ड्रॉप है। नहीं, आपको हम देखे हैं, सारी वीडियो देखे हैं, इंस्टाग्राम पर भी आपका वीडियो देखे हैं, उसमें पंजा किस तरह मूवमेंट आप कर रहे हो, स्लीपर चप्पल भी पहन रहे हो आप, ये सब तो आपका पावर रिकवरी है भैया। स्लीपर चप्पल हम पहनते हैं शुरू से ही, लेकिन वो पीछे की ओर सिकुड़ कर मुड़ जाता है, जब चलते हैं ना तो पीछे की ओर सिकुड़ कर मुड़ जाता है, तो वही चप्पल का जो घुंडी होता है जो अंगूठा में रहता है, वो चप्पल का वही घुंडी पकड़ते हैं, वो घुंडी हमको पकड़ाता है तो उससे हमको सपोर्ट मिलता है, इसीलिए वो स्लीपर चप्पल पहनते हैं। तो वो आप इसमें तो हमको लगता है कि आपका बहुत अच्छा रिकवरी है इसके लिए। मेन जो ताकत है वो केवल एरी हाथा पैर में ही है, एरी से थोड़ा आगे तक। बहुत हम देखे हैं आपको, वो इंस्टाग्राम में वो भी वीडियो देख रहे थे, आप दौड़ रहे थे खेत की तरफ। आपको देख कर कर भैया हम बहुत मोटिवेशन होता है, और हम घर परिवार में भी बोलते हैं कि देखो आदमी ठीक हुआ है तो एक दिन हम भी ठीक होंगे। बहुत मूवमेंट में रहता हूँ, आपको हर दिन वीडियो जब तक नहीं देखता हूँ ना तब तक हमको संतुष्टि नहीं होता है। आप चोट जो लगा था वो मतलब डी लेवल पर था? डी लेवल पर है, लाभी के पीछे नीचे है। हाँ, डी में, और फिर L1 L नंबर में भी है, L2 L ऐसे करके, मतलब एक नस, मतलब हमको डॉक्टर सलाह दिया था ना भैया कि एक नस आपको दब गया है, इसको नस हम खींच करके ऑपरेशन कर देंगे। तो हम बोले सर कि कितना दिन में हम चल पाएंगे, तो नस नस 9 महीना भी टाइम लगेगा, 1 साल भी टाइम लगेगा, क्या नहीं भी होगा ये ऊपर वाला देने, हमारा जो काम था भैया हम वो कर दिए। हाँ, वो तो सबको बताता है, वो तो 0% में गारंटी नहीं देता है। हाँ, लेकिन आपका नस तो उसमें एक ही होता ही है, सबको तो उसमें एक ही नस रहेगा, तो दूसरा कहाँ से लाएगा डॉक्टर? उस पर इंजरी जितना होता है उसके हिसाब से क्षति होता है शरीर में, लेकिन आप जो जैसे आप बता रहे हैं तो आपको आर्टिफिशियल लगाया है वो ना, प्लास्टिक का आर्टिफिशियल लगाया है बोन। हाँ, बोला टाइटन के डाल दिया हूँ, तो मैं बोला सर ये सब निकालना पड़ेगा, तो बोला देखो रिकवरी आ जाएगा, अगर मुसीबत आएगा, दर्द बनेगा, पेन होगा तो निकाल भी सकते हो, अगर दर्द और पेन नहीं बनेगा तो नहीं निकालने का, ऐसा डॉक्टर सलाह दिया था। तो हम सोचे थे कि चलो ऑपरेशन हो जाएगा, लेकिन
ठीक ही नहीं हो रहा हूँ। देखिए खड़ा हो गए हैं, वाकर लेकर चल रहे हैं और ज्यादा दिन भी नहीं हुआ है, तो बहुत अच्छा रिकवरी आया है। हाँ। बहुत अच्छा रिकवरी आया है मेरा, बहुत कम दिन में आपका आपका छत इंजरी भी बहुत ज्यादा है। जैसे हमारा मान लीजिए केवल लंबर में है, L1D12 है, और आपका इंजरी ज्यादा है, उसके बावजूद भी जब चल रहे हैं अभी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रिकवरी आया है। अब इसमें अब ऐसे ही होते होते जैसे जैसे दिन बीतेगा वैसे वैसे आप जो है सो खड़ा हो गए और चल दिए, तो धीरे 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 ठीक होते जाइएगा। अब इसमें जितना एक बात और बोलना चाहता हूँ भैया कि मतलब हर वीडियो तो आ ही जाता है, मतलब हर पेशेंट को हम देखते हैं, किसी को पैर मुड़ा हुआ है, कोई दायां बायां पैर लचक रहा है, चल रहा है बांस के रेलिंग में, लेकिन मैं बांस के रेलिंग में चलता हूँ जिसे आम आदमी चलता है, उस तरह चलता हूँ, भले आगे पंजा मेरा फेंका जाता है, है ना, लेकिन घुटना में कैलिपर भी कभी नहीं पहने हैं। मैं घुटना का एक्सरसाइज हमको फिजियोथेरेपी मतलब बताया कि आप तकिया लेके इसको दबाते रहिए, जितना एक्टिविटी कीजिएगा उतना मूवमेंट आपका बनता रहेगा, हर हमेशा हरकत में रखिए पैर को, हर हमेशा प्रेशर देते रहिए, हर हमेशा दिमाग में ऐसा सोचिए कि आप एक दिन एक दिन हम आप बैठ गए तो आप खड़ा होंगे, खड़ा हो जाएंगे तो चलेंगे। आज जब चल रहे हैं हम वार्कर लेके, करीब 12 महीना हो गया सर, अब वार्कर हमसे नहीं छूट रहा, एक हाथ पकड़ कर करके मैं खड़ा रहता हूँ। चलने के लिए मैं सोचता हूँ कि अब एक हाथ पकड़ के चलूंगा तो दोनों हाथ पकड़ना पड़ता है, बस वही बैलेंस मेरा नहीं आता है। कोशिश कीजिए बैलेंस बनाने का, वार्कर सामने रखिए या किसी दीवार के पास खड़ा होकर के उसको छोड़ छोड़ करके धीरे धीरे बनाइए बैलेंस, लेकिन ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। अब ऐसे ही हम लोग भी जब 1 साल हो गया 2 साल हो गया तो ऐसे ही परेशान रहते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और अभी काफी समय हो गया है तो अब जो है सो उतना टेंशन नहीं रहता है, और अब जैसे सोचते हैं वो दिन याद आता है तो सोचते हैं कि अभी हम बहुत ठीक है। वो दिन तो ऐसा अगला साल ठंडी ऐसा था ना सर कि मेरे को पैंट और कपड़ा जूता ये सब कोई और पहनाता था, बेड पर से पैर कोई और उतारता था, लेकिन आज के डेट में खुद उतर जाते हैं, नहा भी लेते हैं चपाकल पर बैठ के, और लैट्रिन पेशाब कंट्रोल है, लैट्रिन पेशाब मेरा पेशाब जो है ना मतलब डब्बा में करते हैं और बहुत अच्छा है, मतलब रोलमल आदमी के जैसा 4 घंटा 5 घंटा डिस्कवरी होता है, जब मेरे अंदर से पेशाब बनता है तो खुद मेरा महसूस भी होता है कि ना हमको पेशाब करना पड़ेगा। चलिए आपका स्पाइनल कॉर्ड ज्यादा डैमेज नहीं हुआ था, डैमेज नहीं हुआ है। वही जो आप मतलब लैट्रिन पेशाब कंट्रोल है ना? हाँ बिल्कुल, देखिए लैट्रिन क्या है मेरा, मतलब अभी हम सुबह लैट्रिन करेंगे ना, जाएंगे तो करेंगे, ऐसा नहीं कि मेरा चड्डी पैंट में ऐसा हो जाएगा लिखी जैसा नहीं है। ये तो बहुत अच्छा है, लैट्रिन पेशाब कंट्रोल है तब तो समझिए ये कोई बहुत अच्छा प्रॉफिट है, सबसे ज्यादा वही चीज डैमेज हो जाता है और इंसान कहीं का नहीं रहता है, ठीक हो भी जाता है तो भी समझिए वो कामयाब नहीं हो पाता है। जिस समय हमारा चोट लगे थे ना भैया तो 5 महीना मेरा कैस्टेटर लगा हुआ था। हाँ। कैस्टेटर निकालता था डॉक्टर साहब 1 महीने के बाद निकालता था, फिर मेरे को 2 दिन 3 दिन छोड़ देता था, तो मैं दर्द और बेचैन पूरा पेन होता था अंदर पेशाब की थैली में। हाँ। पूरा पेन बनता था, जब मैं मूवमेंट बनाता था पेशाब इसमें पेन बन रहा है तो हम पेशाब कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा, तो पेशाब ही रास्ता पर नहीं आता था, अगर आता था तो बहुत बल जोर लगा कर करके समझ पूरा जलाना, फिर भी थोड़ा सा पेशाब होता था मतलब 25 ग्राम ऐसा करके, और साला पेशाब जितना 300 ग्राम जो डॉक्टर बताए 300 ग्राम ml होना चाहिए पेशाब एक बार में तो जाकर 4 घंटा फिर रिकवरी होगा, लेकिन इसी तरह करते करते 6 महीना मेरा जब बीत गया तो फिर जहाँ 20 बार पेशाब होता था वहाँ 10 बार पर आ गया, फिर अगला महीना गया तो 10 से 8 पर आ गया, फिर अगला महीना गया तो 8 से 6 पर आ गया, 6 फिर सारा उसी करते करते आज के डेट में क्या पूरी रात में पानी उनी पी कर कर सोता हूँ भैया, तो रात में बेड पर 1 बार मेरे को डब्बा में पेशाब करना पड़ता है, फिर सुबह हो जाता है, फिर सुबह हो गया फिर बैठे फिर 2 घंटा के बाद मतलब 2-3 घंटा के बाद ही पेशाब होता है, ऐसा पानी खूब पीते हैं। ये तो आपका मतलब वही प्रॉब्लम है कि आप वाकर नहीं छूट रहा है वही ना? हाँ वार्कर नहीं छूट रहा, बाकी बात शरीर में हमको कहीं जख्म उखम नहीं हुआ था भैया, बहुत सेवा किया घर वाला मम्मी पापा ऐसा था सब परिवार, हमको डॉक्टर मिल गया था बिहार में इधर जो है ना बेगू बिहार, जब हम सूरत से चल के आए थे तो बिहार में हमको कोई डॉक्टर ऐसा बता दिया कि बोला रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, बेड फुल नहीं होना चाहिए। बिहार में है, हम बिहार से बोल रहे हैं भैया, जम्मू जिला। कहाँ से? जम्मू जिला। आप कहाँ से भैया? हम यहाँ समस्तीपुर से हैं। एक वीडियो आपका देखते हैं, एक निखिल सर के वीडियो देखते हैं और एक रजनीश तिवारी है ना लड़का, वो
वो तो बहुत अच्छा परफेक्ट ठीक हुआ है। निखिल सर तो भी बहुत अच्छा ठीक हुआ है। इन लोग बहुत आगे निकल गए हैं। वो तो बहुत पुराना, मतलब हमसे भी पहले उनका हुआ था इंजरी। हमसे 4 साल पहले हुआ था। और वो YouTube पर सबसे पहले वो जो है इस चीज का शुरुआत किए थे। शुरुआत किया तो निखिल सर किया है, बाकी आप फिजियोथेरेपी तो बहुत किए होंगे। इनका वीडियो में इतना मोटिवेशन हम लोग के मिलता है कि चलो आज ने कल करके तो साल साल भर निकल गया दिन। फिर भी वो जो है ना, वो जो शुरू किए YouTube पर ये चीज, तो वो लगभग देखिए कि कितना पड़ा हुआ पेशेंट खड़ा हो गया। हाँ, तो ये चीज तो श्रेय उनको जाता है कि ये चीज बहुत अच्छा चीज वो YouTube पर शुरू किए। ठीक है भैया, नहीं आपको तो हम भगवान से बहुत धन्यवाद देते हैं कि चलो जिस तरह ठीक हो रहे हैं तो भैया पीछे पीछे हम भी ठीक होंगे। एक वीडियो में आपको देखे थे कि बैटरी वाला वो टोटो लिए, हम टोटो भी अब चलाते हैं, वीडियो नहीं डालते हैं। हाँ, टोटो चलाते हैं। तो आपका पैर तो बहुत अच्छा रिकवरी है। अच्छा, मेरा क्या है ना सर, जब मैं बेड पर ऐसे तो कर करके पैर उठाते हैं, पूरा उठा लेते हैं, मैंने जितना आप एक्सरसाइज करते हैं उतना सब हो जाता है मेरा। अब क्या इसमें करूँ? अब क्या कीजिएगा, एक्सरसाइज जो करते हैं वो तो करते ही रहिए। अब ऐसे ही आपको चलते चलते ही जो होगा तो चलते चलते ही धीरे धीरे ठीक होते जाएगा। अब आपको कुछ कोई ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये खड़ा होकर के चलते हैं ना, खड़ा होकर चलते हैं, जंजला पकड़ के दबाते हैं बस, और चलते हैं तो सारा एक्सरसाइज हो जाएगा। जैसे उठ बैठ करवाते हैं ना एक बच्चा के, ये वाला हम 10 बार 5-15 बार जंप मारते हैं, ये वाला पकड़ के कोई चीज मतलब इस करना है, 2 टाइम हो जाता है इसका। और बाकी बात चुको मुको एड़ी पर बैठता हूँ, फिर वार कर लेके खड़ा हो जाता हूँ। पहले अगला महीना तो हमको उठाता था एक हाथ पकड़ के, अगला महीना हमको एक हाथ पकड़ के वार कर उठाता था, लेकिन आज के डेट में खुद के चुको मुको बैठ के वार कर जितना मेरा खड़ा है उसको पकड़ कर करके हम उठ जाते हैं। किसी को सपोर्ट नहीं लेना पड़ता, खाली वार कर के सपोर्ट लेना पड़ता है। एंकल मूव करता है ना? एंकल मूव नहीं करता है, मतलब मेरा लेफ्ट साइड वाला जो है ना पंजा, हाँ, तो वो खाली अंगली, पांचों अंगली हिलते हैं नीचे भार। हाँ, और राइट वाला क्या होता है, अंगूठा ऊपर की ओर जाता है, ऐसा हाँ, होता है, चारों अंगली नहीं हिलता है राइट वाला। तो उंगली खिंचवाते आ रहे हैं कि नहीं? उंगली खिंचवाते हैं। हाँ, अंगली वाला है जिसका ऐसे दाल घोराते हो ना। हाँ, जो दाल हम लोग के मम्मी और बहन बनाती है वो जो घोराटते हैं जिस तरह, उस तरह मतलब अपना जो है पंजा को पूरा है 1 घंटा एंटीबायोटिक मेरा मम्मी कर देते हैं, नहीं तो बच्चा है उससे करवा लेते हैं और फिर गंतना लगा कर खींचते हैं। अच्छा, ये एंकल मूव नहीं करता है सही ढंग से ना? नहीं, हाँ, यही नहीं, मेरे से नहीं कर रहा है। नहीं, हमारा एंकल अब अच्छा से मूव करता है। आपका एंकल देखता हूँ कि दायां से लेके बायां जा रहा है, फिर ऊपर नीचे इस तरह हो रहा है, उला मेरा नहीं आ रहा है। हाँ, यही वही 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 चीज है जो आपको वाकर नहीं छूटने दे रहा है, पंचर नहीं छूट रहा है। वो जो एंकल का एक्सरसाइज कीजिएगा ना, तो घुटना के नीचे का जो पैर है उसके पीछे जो मसल है वो मांस में ताकत, वो मांस में ताकत आएगा ना, तब जा करके वो वही मांस है जो आपको, उसी मांस के सहारे लोग धरती पर खड़ा होता है बैलेंस बना करके। टोटल कंट्रोल वही मांस करता है। हाँ, हम भी एक्टिविटी करते हैं मन में कि जब तक मेरा पंजा जैसे रख दिए तो रखा हुआ है, अचानक रखेंगे तो क्या होता है, एड़ी कलर जाता है। हाँ, तो उसमें तभी हमको वर्कर नहीं छूट रहा है ना। हाँ, वो एंकल जब आ जाएगा ना, तब वो एंकल चलाइएगा तो वो मसल में ताकत आएगा, वो घुटना के पीछे मसल है तो उसको चलवाइए, मतलब जब टाइम मिले तब उस पर ध्यान दीजिए, उसको 2000-3000 वाट कितना हो सके उसको चलवाइए। एंकल को चलाइएगा तो वो आ जाएगा, एंकल में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, अगर मेहनत कीजिएगा तो 1-2 साल 2.5 साल में एंकल आपका ठीक हो जाएगा। तो एक एक्सरसाइज हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं? जैसे हम कुर्सी पर बैठ गए हैं, ठीक है भैया। हाँ, जैसे मतलब पंजा टंगलिया है ना, हाँ, इसको हम धरती में दबाते हैं तो गलत है कि सही है? नहीं नहीं, सही है, गलत नहीं है। और बॉल होता है ना गेंद? हाँ, बॉल है, बॉल स्पंज का होता है, उसको जमीन पर रख करके और तलवा से उसको जो है सो इधर उधर आगे पीछे लेफ्ट राइट उसको कीजिए पैर से, भाग जाएगा ना एक बार। हाँ, तो वही भाग जाएगा तो वही ना, वो उसी को पकड़ना है ना, उसी को ना बनाना है, आदमी रहेगा पास में उसको फिर ला करके देगा, ज्यादा दूर में नहीं, थोड़ा ही दूर में उसको जो है जितना अपना पैर के अंदर में ही धीरे धीरे उसको कोशिश कीजिएगा, वही चीज न करना है, नहीं तो बेलन अगर है या गोल कोई चीज है 2 इंच का या 2.5 इंच का पाइप होता है,
तो पाइप ले लीजिए, पाइप पर दोनों पैर रख लीजिए और उसको आगे पीछे करने का कोशिश कीजिए। हाँ वही चीज ना पकड़ बनाएगा। अब हमको जो भी करना है तो बस सिर्फ उसके ही एक्सरसाइज पर मतलब फोकस करना है। एंकल पर फोकस दीजिए, एंकल में मोमेंट आ जाएगा ना तो आपका बैलेंस पूरा पूरा बन जाएगा। तो जब मैं कुर्सी पर बैठते हैं उसी तरह पैर फेंकते हैं, पीछे करते हैं, फिर उसको पंजरा चंगुरा को दाब कर कर दबाते हैं उसको, एड़ी को पूरा, और फिर सिलाई मशीन चलाते हैं ना भैया। पंजा से मुंह नहीं करता है, एड़ी से ऊपर नीचे होता है, एड़ी से नहीं। तो उस मशीन पर जो पैर चलाते हैं तो बहुत अच्छा है, चलाइए। हाँ कभी कभी चला लेते हैं, मतलब उतना एटिबेटिंग नहीं करते हैं, कभी कभी उड़ा कर मंगाते हैं आगे में तो चला लेते हैं। अरे वो छोटा वाला साइकिल जो मिलता है फिजियो तरीका जी फ्लिपकार्ट से ना, देखो वो मंगाया, उसको हम चला लेते हैं 2 घंटा 1 घंटा बढ़िया से। चलिए अच्छा है, एंकल एंकल वाला एक्सरसाइज कीजिए, वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। हमको भी ये चीज नहीं पता था, समझे। तो एक दिल्ली में एक तो डॉक्टर है, हमारे यहीं बगल में एक गांव है कोई, तो वहाँ के दिल्ली में एक मशहूर डॉक्टर है न्यूरो सर्जन, उनका नाम है मनीष कुमार। तो घर आए हुए थे ना तो हमको पता चला, उनका मतलब इसी गांव में जो है उनका बहन रहती है, तो उनका भांजा जो है हमको बताया, तो हम गए थे उनसे मिलने के लिए। तो वही बताए थे कि वही ये चीज हमको राज बताए थे, एंकल का एक्सरसाइज। वो बताए थे कि सबसे इसमें महत्वपूर्ण चीज है यही, यदि जब ये एंकल जो सही हो जाएगा ना तो पूरा पूरा ठीक हो जाएगा। वो बोले थे कि नीचे से ही भरना शुरू होगा। और एक बात पूछते हैं भैया कि मतलब जैसे इस तरह हम बैठ कर कर हाथ वाला चारा काटने वाला मशीन होता है ना, दो जानवर है मेरे पास, तो मैं ऐसा करता हूँ मतलब 20-40 नेवारी होता है, इसको मैं बैठ के काटता हूँ तो कोई ऑपरेशन में दिक्कत हमको नहीं बुझाता है, तो कोई दिक्कत है नहीं? कोई दिक्कत नहीं होता। आप वो कर रहे हैं, हम तो खड़ा होकर के जो मशीन चलाता है उससे कुट्टी काट लेते हैं। और आपका प्लेट भैया डला हुआ है आपका? हाँ हमको वो स्क्रू लगा हुआ है, रॉड डाल के रेड वाला है आपका भैया? हाँ हमको निकलने वाला नहीं है, सो जाएगा। हाँ वो फिक्स होगा सब दिन। और मेरा जो इसका ऑपरेशन है तो इसका क्या है, फिक्स होगा कि इसको निकालना पड़ेगा भैया? नहीं नहीं वो तो एक्सरे देखने पर पता चलेगा। जो हमसे आगे है उनको हम मतलब देखते हैं तो हमको भी मोटिवेशन होता है, जो हमसे पीछे है तो वो तो दिन मेरा गुजरा हुआ है। अब वो दिन में हम जाएंगे तो फिर मेरा जो भी है हालात कंडीशन वो खराब हो जाएगा। देखिए हम सब वीडियो में कहते हैं, देखिए बहुत तरह का एक्सरसाइज लोग बताता है, सब अपना अपना एक्सपीरियंस बताता है, इसमें लोग कंफ्यूज भी हो जाता है। हम कहते हैं कि देखिए आप कौन सा कर सकते हैं वो चुनिए, ये जरूरी नहीं है कि 75 को करना है, जो आप कर सकते हैं उसी को चुनिए और उसी पर फोकस कीजिए। पेट के बल लोड कर कर करके पीछे से मोड़ना पैर, तो ये भी आपसे हम सीखे। और ये रिकवरी मेरा 1 महीना में रोलमल आया था, और दूसरा महीना के बाद अब जो है वहाँ से पीछे से एड़ी उठाते हैं तो यहाँ चुट्टड़ में चोट मतलब दबा कर करके मारते हैं। सर कितना पोजीशन पर रखते हैं वो जो लेट करके करते हैं पेट के बल, तो सर कितना पोजीशन रखते हैं, सर का पोजीशन क्या रहता है? सर मतलब इसी रहता है तकिया पर, तकिया पर ही रहता है, उसको और थोड़ा ऊपर करके कीजिए। ए वाला में ऊपर छत अपना ऊपर देखते हैं, 5 बार नीचे की है, 5 बार ऊपर छत देखते हैं। नहीं नहीं जब पैर जो चलाते हैं और पैर जो पीछे देते हैं वो चुतर पर जो पैर लगता है तो उसमें जो है तो आप सर को धीरे धीरे ऊंचा मतलब उसको 90 डिग्री पर ले जाना है, कुछ 45 डिग्री पर, फिर 90 डिग्री पर, जैसे हाथ पर ये थोड़ी को रख लिए और करते हैं। हाँ तो उसमें क्या होता है पूरा जो मतलब रीढ़ में लगता है कोई खिंचाव आ रहा है, तनाव आ रहा है, वो जो नहीं, नहीं, महसूस होने लगता है। वो नीचे वाला जो रीढ़ है ना, नीचे वाला वो थोड़ा मजबूत होता है उससे। अच्छा उस और इसे लगता है जब ऊपर पूरा घिंचते है ना तनाव बनता है ना, तो लगता है कि और इसे करें तो कटाक्ष ना कर देता है कोई चीज। उस पर निरस्त हो जाता है वहाँ से, मतलब रीढ़ मिलत सो जाने बात पर लगता है कि नहीं बहुत अच्छा लग रहा है। जब तक वो कटाक्षण नहीं करता है तो पूरा भव्य सर बना रहता है शरीर में, कि सारा लगता है कुछ इधर लटका उठता है ऐसे, अब ऐसे देखेंगे ना तो मेरा खिंचाव उसके साथ में करेगा कटाक्षण, तो मेरे को अच्छा लगने लगता है। आप उसी पर ध्यान दीजिए एंकल वाला। अब मेरा फुल ड्रॉप जूता भी दिया था, फुल ड्रॉप के हम क्या करते हैं भैया कि जूता में किसी तरह बनाते हैं, आगे से भी काट भी दिए हैं, फिर भी साला सेटिंग नहीं होता जूतवा पर, तो क्या करते हैं उसको रात में हम 12 घंटा पहन के सो जाते हैं, दिन में क्या करते हैं मोजा और जूता जैसे कैंपस का है वो जूता पहन लेते हैं, और उसको पहन के मैं चलते रहता हूँ, एटी बेटी करते रहता हूँ, चुको मुको बैठते रहता हूँ।
कभी कुर्सी पे बैठ जाता हूँ, इतना करता हूँ और बाकी बेड वाला एक्सरसाइज छूट गया मेरा, तो क्या करें। अच्छा तो सुनिए, तो चुक्कू मुक्कू जो बैठते हैं, तो चुक्कू मुक्कू बैठ करके आप पैर चल लेंगे? चुक्कू मुक्कू बैठ के चल नहीं पाते हैं, बस वही हाथ पीछे करना पड़ता है और पैर को आगे उठाएंगे तो चल लेते हैं हाथ पर। और ये जो बता दिए चुको मुको करके, मतलब इस तरह घुसकना है, उसमें क्या होगा कि आगे बार जब तक हाथ के बैलेंस नहीं देंगे तब तक वो पैर नहीं खिंचा हुआ। तो क्या, हाँ तो क्या होगा, हाथ का बैलेंस दीजिए, हाथ का बैलेंस दीजिएगा तब ना वो छूटेगा। कोशिश कीजिएगा, वो चुक्कु मुक्कू जो बैठते है ना, हाँ ये तो हम कई वीडियो में बताए हैं, बहुत लोग को ये मजाक लगता है, लेकिन वो चुक्कू मुक्कू जो बैठ करके आप चलिएगा, वो पूरा चुक्कू मुक्कू में पूरा तलवा आपका बैठता है जमीन पर। हाँ मेरा पूरा तलवा बैठ जाता है जमीन। हाँ वो बहुत बहुत मदद करता है वो चुक्कू मुक्कू बैठने वाला। हाथ के सहारे भी अगर पैर खसका करके आप दो तीन कदम चार कदम भी आगे बढ़ते हैं बैठे हुए में, तो वो मसल पर आपका पूरा शरीर का लोड पड़ता है ना, तो बैलेंस अपने आप बनाएगा। आप इनकल एक्सरसाइज कीजिए और धीरे धीरे आप कंफर्टेबल हो जाइएगा, अभी कोई ज्यादा समय नहीं हुआ है। आप उसी तरह मैं देख रहा था कि भाई ये लोग की कौन सा चोट कौन सा लेवल है, और ये इतना छह साल लग गया, मेरा डिस्कवरी तो इतना आ गया, 18-19 महीना हिल गया है, 19 महीना के अंदर मैं इतना परफेक्ट हो गया हूँ कि बैठ लेता हूँ पेन वोड कर करके ना, तो कोई आजू बाजू मेरे से भिन्ना नहीं मानता है कि ये टिंकू भाई बैठा हुआ है इसके। और एक चीज और बता रहे हैं भैया आपसे हम, कि मतलब हमको 1500 के महीना आयुर्वेदिक दवा खिला रहा है, समझे? आयुर्वेदिक दवा हम खा रहे हैं, गया अपना जो है ना, गया गया केपी यादव डॉक्टर के नाम है वो, उसके पास में मतलब लकवा पेशेंट और पोलियो पेशेंट और रीढ़ का ये सब स्पाइनल का मतलब ये सब पेशेंट उनके पास जाते हैं, जिससे मतलब उसको दवाई देते हैं, सिर्फ आयुर्वेदिक है हेमोपैथी का। तो आपको उसमें क्या लगता है दवा खाने पर आपको जो है? हमको देखिए भैया, हम पहले जीरो बैलेंस थे और मैं 6-10 महीना तक जीरो ही जीरो था, बेड पर से कोई मेरा पत्नी उतारती थी पैर, जहाँ तो मेरा मम्मी उतारती थी, इस हालात में थे। तो एक आदमी हमको बोला कि भाई मैं गया से दवाई खाए थे, मेरा पिताजी को कन्हा पकड़ के ले गए थे और आज के उनका दवाई खिलाएं, तो मेरा पिताजी अब खुद के दवाई लाने के लिए जाता है, खुद के घर में चलते हैं, खुद के अथी करते हैं। तो बोला ये वार्कर पर तुम चल, उसमें भी वार्कर पर मैं चलता था, मतलब वार्कर पर हम चलते थे, जब बैठने बारी आता था ना तो मैं वार्कर पर बैठता था ना, तो आगे घुटना पूरा भाग जाता था, तो कोई आगे से घुटना मेरा फैमिली पकड़ के कुर्सी पे बैठा देता था। तो वो आदमी हमको मिला तो बोला भैया ऐसे ऐसा करने गया मैं, तुम जाओ तुम्हारा 15 दिन में वार्कर ये छूट जाएगा। तो मैं उसके पास गया तो मैं डॉक्टर साहब पास बैठे, तो मैं डॉक्टर साहब से बोले कि भैया ऐसा ऐसा बात है, मेरे को बोला छत पर से चोट लग गया स्पाइनल, MRI का रिपोर्ट था मेरा वो दिए उसको, और जितना जिसे ऑपरेशन किया था एक सिरा का वो भी दिए उनको पास। तो बोला देखिए खाओ दवाई खाओ कोशिश करेंगे, ऐसा बोला वो। और डॉक्टर जो है जो आपका आयुर्वेद का, वो डॉक्टर से अगर कोई बात करना चाहे तो बात करेंगे? हाँ वो बात ही नहीं कर पाते हैं सर, इतना बिजी है ना वो, हमारे घर से 130 किलोमीटर दूरी पड़ता है गया। और जब मैं उसके अस्पताल के पास गए थे ना भैया, इतना लाइन लगा हुआ है दवाई लेने वाला, सिर्फ वो दवा ही देता है। तो आयुर्वेद का सुनिए, उस हॉस्पिटल का नाम क्या है? केपी यादव। हाँ वो गया के पुल जो है ना अपना, हाँ पुल पार करते हुए उसका मार्केट में नाम है। चलिए ठीक है, आप बहुत अच्छा जानकारी दिए हैं, हो सकता है ये जानकारी किसी को काम आ जाए। ये दवाई भैया हम खा रहे हैं सिर्फ 4-5 महीना से खा रहे हैं, फिर 2 महीना के दवाई में एक ही बार जाते हैं, इकट्ठा 3-4 महीना के ले लेते हैं, 1500 के महीना लगता है भैया, समझे? तो ये दवाई हमको लगता है कि अब जो भी करे अच्छा करे चाहे खराब करे, लेकिन पेशाब का क्या हालात था, मैं बैठ नहीं पाता था, मैं उतर नहीं पा रहा था, चल नहीं पा रहा था, वार्कर पर 3 आदमी खड़ा करता था, मेरा पत्नी घुटना पकड़ता था तब मैं खड़ा रहते थे 2 मिनट 1 सेकंड 10 सेकंड। लेकिन ये दवाई के अनुसार से हमको लग रहा है चल भी रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, 3 महीना से एक्सरसाइज छोड़ दिया, अब वार्कर पर जो है उठ बैठ ये सब एंटीबायोटिक चालू रखे हैं, और उसका दवाई में खाते हैं 2 टाइम, 4 प्रकार का दवाई दिया, एक पीने वाला है, एक तेल लगाने वाला है, और फिर 2 टैबलेट है, फिर एगो बूंदे बूंद 20 बूंद पीते हैं, मतलब 4 प्रकार का दवा है, तेल है, 5 प्रकार के उसका है। चलिए ठीक है, आप एंकल पर ध्यान दीजिए, आपका बैलेंस बन जाएगा। और सुनिए सर, एक तो मेरे पास क्लैंपर है, अगर कुछ कोई भाई का जरूरत होगा तो दे देंगे उनको, नया क्लिपर है मैं बनवाए थे पटना से। ठीक है, और क्लिपर बना कर करके हमको 5000 रुपए हम दिया, लेकिन जब लाए थे मेरे पास ना क्लिपर डॉक्टर साहब, तो मैं 1 दिन भी यूज नहीं किए, वो रखा पड़ा है। 5000 में दिया था, किसी को भी सेट कर जाएगा, किसी को भी सेट कर जाएगा वो। चलिए ठीक है, हम जरूरत होगा तो हम आपको फोन